जब हमने ओपन करा था रेस्टोरेंट, तब हमारे रेस्टोरेंट पे ऑलमोस्ट डेली जब शुरू का जो दो चार महीने थे उसमें गिनती के 10 से 12 कस्टमर डेली आते थे, पर धीरे धीरे उन लोगों को हमारा स्वाद पसंद आने लगा, हमारी क्वालिटी पसंद आने लगी, तो रिपीट आने लगे। उसके बाद उन लोगों ने जो है आगे दूसरों को हमारे भोजन उसके बारे में बताया कि भैया इनके जाए, रेफरेंसेस बढ़ते गए धीरे धीरे, हमारी जितनी भी है पब्लिसिटी वो माउथ पब्लिसिटी हुई है कि लोगों ने एक दूसरे को बताया, उससे हमारा कस्टमर बेस जो है वो काफ़ी कुछ बढ़ गया है। और आज की तारीख में ऑलमोस्ट मेरे पास 700 से 1000 लोगों का तो नंबर से जाने जो है वो सेव है, जो हमारे से रेगुलर हर जब जब लगता है उनको जरूरत होती है वो हमसे लेते रहते हैं। कितने बढ़िया तरीके से खाना बनाया थाली में, आपको ये देखिए 2 सब्जियां मिल जाएंगी, दाल है, चावल है और 5 रोटी, और रोटी भी दोस्तों इनकी जो रोटी की क्वालिटी है वो बिल्कुल अलग है। सर मेरा नाम रोहित जैन है, मैं जन्म रेस्टोरेंट का ओनर हूँ। हमारा ये रेस्टोरेंट का नाम है जन्म डिलीशियस फूड पॉइंट, ये पत्रकार कॉलोनी चौराहे से जब अपन आगे बढ़ते हैं तिलक नगर की तरफ और कनाड़िया के लिए मुड़ते हैं तो मुड़ते से ही शॉप है अपनी दिलीप पॉच के सामने। सर ये मेरा बहुत मैंने स्कूल टाइम से था कि मेरा एक छोटा सा रेस्टोरेंट हो कहीं ना कहीं, तो किस्मत से मिल गई ये शॉप और हमने यहाँ पे इसको 2019 में ओपन किया। 23 सितंबर 2019 को इसकी ओपनिंग हुई थी। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे बढ़ता गया, पर फिर कोरोना आ गया तो 2 साल लॉकडाउन में चले गए। पर लॉकडाउन में भी हम लोगों ने जितने होम क्वारंटाइन लोग थे हमने कोशिश करी जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो उनको टिफ़िन सेवाएं प्रदान करें, और ऑलमोस्ट हमने एक दिन में 300 से 350 लोगों को वो टिफ़िन सेवाएं प्रदान भी करी है। उसके बाद वापस जब ओपन हुआ तो अब धीरे धीरे वापस से इसका पिकअप आने लगा है। इसके बाद मैं जॉब में हूँ ऑलरेडी, मेरे को ऑलमोस्ट 14 साल हो गए हैं जॉब में, पर ये मेरा पैशन था शुरू से। मैं मामा जी के साथ कैटरिंग के काम में एंगेज रहा हूँ, उनका श्री नाकोड़ा कैटरिंग के नाम से बिजनेस है तो उसमें भी एंगेज रहे हैं। तो शुरू से एक पैशन ही था कि हाँ अपने को एक रेस्टोरेंट छोटा ओपन करना है, और उनकी मदद से ये पूरा भी हो पाया। अभी क्या बनाएंगे भैया? अभी दाल बनेगी। उनकी मदद से ये पूरा भी हो पाया है, बड़ों का आशीर्वाद था जो आज हम इसको धीरे धीरे फैला पा रहे हैं, यहाँ से हम लोग कैटरिंग वगैरह के ऑर्डर भी ले पा रहे हैं। ये इसका उद्देश्य हमारा मेन यही था खोलने का, एक तो मेरा सपना पूरा हो पाए प्लस हम लोगों को अच्छा भोजन यहाँ पे प्रदान कर पाए, जो कि इंदौर ऐसी जगह है जहाँ लोग खाने पीने के शौकीन हैं, पर हर जगह पे अच्छी क्वालिटी नहीं मिल पाती है। तो हमारा मेन फोकस है कि प्रॉपर क्वालिटी दें हम लोगों को, जिससे कि वो संतुष्ट होकर जाए। हमने शुरू से क्वालिटी पर फोकस किया है हमारे खाने की, इसलिए हम लोग कहीं भी सोयाबीन तेल या अपना फिल्टर्ड दूसरा कोई सा तेल यूज़ नहीं करते हैं, सनफ्लावर ऑयल वगैरह। हम लोग जनरली जो है मैक्सिमम गोयल का मूंगफली तेल यूज़ करते हैं या फिर दम्मानी का। हमारे यहाँ बटर और चीज़ वगैरह भी आप कभी भी आएंगे और देखना चाहेंगे तो अमूल का ही यूज़ होता है, दूसरा यूज़ नहीं होता है। घी में शुद्ध घी यूज़ होता है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ हम लोगों ने भोजन थाली रख रखी है, इसके अलावा हमारे यहाँ चाइनीज़ प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, पाव भाजी मिल जाती है, तवा पुलाव है, साउथ इंडियन में डोसा उत्तपम वगैरह मिल जाता है। बाकी आप चाहें तो आला कार्ट पर आके ऑर्डर कर सकते हैं, आला कार्ट पर भी खाना अवेलेबल है, ऑन ऑर्डर पिज़्ज़ा भी अवेलेबल है हमारे यहाँ। प्लस ज़्यादा ऑर्डर्स हो तो कुछ आला कार्ट से हट के आइटम्स आपको चाहिए और पहले से ऑर्डर करते हैं तो हम लोग वो सुविधाएँ भी बना के आपको प्रोवाइड करते हैं। रेस्टोरेंट पर जो है मैं और मेरी वाइफ संभालते हैं, उसके बाद यानी फैमिली सपोर्ट होने के कारण हमको थोड़ा वो है, प्लस मामा जी जो कि इसी बैकग्राउंड के हैं तो हम लोगों को उनका भी सपोर्ट बहुत है। जब हमने ओपन करा था रेस्टोरेंट तब हमारे रेस्टोरेंट पे ऑलमोस्ट डेली जब शुरू का जो दो चार महीने थे उसमें गिनती के 10 से 12 कस्टमर डेली आते थे, पर धीरे धीरे उन लोगों को हमारा स्वाद पसंद आने लगा, हमारे की क्वालिटी पसंद आने लगी, तो रिपीट आने लगे। उसके बाद उन लोगों ने जो है आगे दूसरों को हमारे भोजन उसके बारे में बताया कि भैया इनके जाए, रेफरेंसेस बढ़ते गए धीरे धीरे, हमारी जितनी भी है पब्लिसिटी वो माउथ पब्लिसिटी हुई है कि लोगों ने एक दूसरे को बताया, उससे हमारा कस्टमर बेस जो है वो काफ़ी कुछ बढ़ गया है। और आज की तारीख में ऑलमोस्ट मेरे पास 700 से 1000 लोगों का तो नंबर से जाने जो है वो सेव है, जो हमारे से रेगुलर हर जब जब लगता है उनको ज़रूरत होती है वो हमसे लेते रहते हैं। इसमें जो था जब हमने शुरुआत करी थी, जब शुरू के 3-4 महीने तो ये लगा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हो गया क्या कुकर ठंडा? दोस्तों ये भैया का एड्रेस मैं बताता हूँ, ये देखिए पत्रकार चौराहे साकेत से आप आएंगे कनाडिया रोड की तरफ, ये चौराहा है, ठीक है उसके कॉर्नर में आपको ये दिख जाएंगे भैया का, ये जैनम रेस्टोरेंट है, ऊपर थोड़ा पेड़ हो गया, ये जैनम रेस्टोरेंट का ये देखिए बोर्ड आपको दिख जाएगा, ये भैया आपको दिख जाएंगे। भैया टाइमिंग क्या रहता है शाम से?
दोपहर में 3 बजे ओपन करते हैं, 3 बजे से लेके रात को 10-10:30 के बीच, 10-10:30 तक आपको भैया मिल जाएंगे। मतलब ये थाली में अपन दो सब्जी दाल चावल रोटी 5 चावल। अच्छा, और ये मीनू डेली चेंज भी होता है? डेली अलग अलग। शुरू में हम लोग लॉस में भी गए थे, पर एक था कि अपन साल भर तो कुछ भी हो, भले कितना भी लॉस हो साल भर तो करके देखेंगे, अगर उसके बाद भी लॉस में रहते हैं तो फिर अपन सोचेंगे आगे क्या करना। पर एक मजबूत इरादे थे हमारे कि नहीं, अपन जो भी आगे धीरे धीरे बढ़ेगा। शुरू में हम मान लीजिए अब हमको जो भी था लॉस हुआ उसको धीरे 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 करके नो प्रॉफिट नो लॉस पर आया, और फिर उसके बाद हमारा थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन आना चालू हुआ। अब जैसे कि मैं ऑफिस और शॉप दोनों मैनेज करता हूँ, पर हमारे कस्टमर्स भी भगवान की कृपा से ऐसे मिले हैं कि जो बहुत ही सेटिस्फाइंग है प्लस अंडरस्टैंडिंग है। तो वो लोग क्या करते हैं कि हम किसी दिन हम लोग नहीं भी डिलीवरी दे पा रहे तो वो लोग उनके आके ले सकते हैं। प्लस अपन कभी बोल दो कि सर आज थोड़ा लेट होगा या कुछ है या कुछ रीज़न है, तो वो लोग समझते हैं उस चीज़ को और हमारा सपोर्ट करते हैं। और यही वो रीज़न है कि जिस कारण से हमको उनका जो फीडबैक वगैरह मिलता है प्लस उनका जो सपोर्ट मिलता है, उसी कारण से हम आगे बढ़ पा रहे हैं। उसके बाद जब ऑफिस से आता हूँ तो इन लोगों के जो फीडबैक्स और इन लोगों का जो सपोर्ट होता है उससे लगता ही नहीं है कि अपने को ही थकान हो रही है। हम रात को 10-11 बजे तक भी शॉप करें तो कभी थकान नहीं लगती हम लोगों को कि नहीं कस्टमर है अपने को इतना सपोर्ट करते तो अपने को भी उनके लिए बैठना है। तो हम लोग उनके लिए रुकते हैं हमेशा। कभी कोई बोल भी देता है भैया आज हम जो रेगुलर है कि भैया आज मैं 10 की जगह आपका क्लोजिंग टाइम है मैं 10:30 तक आऊँगा आप रुक जाए, तो हम भी रुकते हैं उनके लिए। बासमती चावल, हाँ हाँ बासमती। ये रोटी बन जाती है बटर रोटी, बटर रोटी फुल बटर। मतलब आपको पूरा पैकिंग का काम रहता है? हाँ, पैकिंग है, कैश लेना है, वो सब काम मेरा। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा उन सभी से निवेदन है, भले वो इंदौर के हो या बाहर के हो, कि एक बार आप जब भी इंदौर आए या इंदौर में रहते हैं तो हमारी शॉप पे जरूर पधारें और एक बार आप आके हमारा खाना और जो भी दूसरे आइटम्स है वो टेस्ट करें और अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। सो दोस्तों, देखिए फाइनली ये थाली हमारे सामने आ चुकी है और जैसे कि आपने पूरे वीडियो में देखा होगा कि भैया ने
कितने बढ़िया तरीके से खाना बनाया थाली में। आपको ये देखिए, दो सब्जियां मिल जाएंगी, दाल है, चावल है और 5 रोटी। और रोटी भी दोस्तों, इनकी जो रोटी की क्वालिटी है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि जो चंद्रों से गेहूँ आता है उसकी भैया गेहूँ को पिसवा के ये उसके आटे की रोटी बनाते हैं, तो काफ़ी अलग है। तो चलिए फटाफट से ट्राई करते हैं खाना। रोटियों का दोस्तों आप साइज भी देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया, मतलब कि इतना खाना 2 जन तो आराम से खा लेंगे इसको, काफ़ी ज़्यादा है। ये लो तेरा। तो दोस्तों ये मतलब आपको पत्रकार चौराहे पे कॉर्नर में आपको मिल जाएगा भैया का, ये छोटा सा ये चौराहा है, टर्न पे ये छोटा सा बिल्कुल सेटअप है, फुटपाथ ही है ये, उसमें छोटी सी जगह पे भैया ने स्टार्ट किया है अपना। इनको 3 साल हो चुके हैं भैया को, और फाइनली अब ये देखिए आलू गोभी की सब्जी है आज इनके यहाँ, डेली मतलब चेंज होता रहता है। क्वालिटी वाइज दोस्तों बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो बाहर आप लोगों ने 30-40-50 रुपए में थाली खाई होगी, उस हिसाब से ये जो 75 रुपए की थाली है तो वर्थ रखती है खाना। तो इसकी पूरी एड्रेस और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम लोग फटाफट से खाना फिनिश करते हैं, आप लोग भी पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और एक बार यहाँ पे जरूर आइएगा। तो मिलते हैं हम छिंदौर के अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, बाय बाय एंड टेक केयर।